अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं लेकर आई हूँ वेज सैंडविच की रेसिपी, जो कि फटाफट बनकर रेडी होता है और ये इतना टेस्टी होता है, साथ में हेल्दी भी होता है। इतने सारे सब्जियों के साथ बनाएंगे और इतना इतना टेस्टी होता है, आप बहुत सारे खा लेंगे और बच्चे तो आपके खासकर बहुत ही दीवाने हो जाएंगे इस सैंडविच के। तो मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारी सब्जियाँ लिया है, जो आपको पसंद हो वही ले लें। यहाँ पर स्वीट कॉर्न लिया है, वेल पेपर लिया है, पत्ता गोभी है और प्याज है और मिर्च है, टमाटर है। तो यहाँ पे दो तरीके के मैंने शिमला मिर्च लिया है, सबको चॉप कर लेना है। और इस तरीके से मैंने भुट्टे को बॉईल कर लिया था, तो एक बॉल लेना है और इसमें डाल देना है मेयोनीज। सब्जियाँ आप अपने अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 3 टेबल स्पून मेयोनीज लिया है, वेज मेयोनीज है, इसमें डाल देंगे। कम पड़ेगा तो बाद में एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 कप मैंने पत्ता गोभी लिया है, बंद गोभी जो होते हैं उसको चॉप करके लिया है। 1 मैंने प्याज लिया था और 1 टमाटर के मैंने बीज को अलग करके उसको भी काट लिया था बारीक। तो इस तरीके से मैंने वेल पेपर लिया है ग्रीन वाला, तो आधा वेल पेपर है, ये आधा आधा दोनों है। मैंने रेड वाला भी लिया है और ग्रीन वाला। और 1/2 कप मैंने यहाँ पर लिया है इस तरीके से स्वीट कॉर्न, और 1 से 2 हरी मिर्च को चॉप करके ले लेंगे। डालने के बाद जो है मैं यहाँ पे थोड़ी सी हरा धनिया के पत्ते डालूंगी। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 1/4 टीस्पून जो है चिल्ली फ्लेक्स डाला है, रेड चिल्ली। और यहाँ पे देखिए 1/2 टीस्पून जो है मैंने ऑरिगेनो डाल दिया है, और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने चाट मसाला का पाउडर डाल दिया है। और फिर जो है यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने नमक डाल दिया है। नमक जो है आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद मिक्स करने के बाद पता लगेगा कि ये कैसी है कंसिस्टेंसी। तो देख सकते हैं मुझे यहाँ पे मेयोनीज थोड़ी सी कम लग रही है, मेयोनीज इतनी होनी चाहिए कि सब्जियों को वो अच्छे से लपेट ले अपने में। तो इस तरीके से मुझे थोड़ी सी और इसमें ऐड करना होगा मेयोनीज। तो देख सकते हैं मैंने 1 टेबल स्पून अराउंड थोड़ा और डाल दिया है। तो इस तरीके से मैंने डालने के बाद जो अच्छे से एक बार मिक्स कर दिया है, तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मिक्स करने के बाद एक बार आप ट्राई कीजिए, मतलब कि टेस्ट कीजिए कि कैसा लग रहा है, इसमें नमक और तीखा वगैरह कैसा है। तो मुझे तो बहुत ही परफेक्ट लगा है इस तरीके से। तो जो है ना आप बस इसको साइड कर दीजिए। और मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे जो बनके स्टफिंग रेडी हुई है, वो आपके 4 सैंडविच बनकर रेडी हो जाएगी इस तरीके से। तो देखिए मैंने पहला सैंडविच बना रही हूँ, तो ये इस तरीके से अच्छे से पूरा स्प्रेड कर देना है, पूरे फैला लीजिए। और फैलाने के बाद जो है तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से पूरे चारों ओर स्प्रेड कर देना है, और जितना आप इस तरीके से अच्छे से इसमें भरेंगे बहुत ही टेस्टी लगेगा। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर चीज़ डाल दिया है थोड़ी सी टेस्ट बढ़ाने के लिए, और ये ऑप्शनल है, वैसे बिना चीज़ के भी बहुत ही अच्छा बना था, मैं ट्राई की थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद जो है इस ब्रेड की एक और जो सिंगल स्लाइस है बस इसके ऊपर से चिपका देना है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से प्रेस करेंगे अपने आप चिपक जाएगा दोनों ब्रेड आपस में। तो यहाँ देखिए गैस का फ्लेम को ऑन करके एक पैन रख दिया था, इसमें 1 टेबल स्पून मैंने बटर डाल दिया है, बटर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ही टेस्टी आपके सैंडविच बनकर रेडी होगा। तो अगर बटर नहीं डालना चाहे तो आप चीज़ नहीं डालें, और अगर सेकना नहीं हो तो इस तरीके से सेकना है धीमी आंच पे इसको। और जो है मैंने थोड़ा सा बटर और ऐड किया है ताकि इस तरीके से दोनों साइड में अच्छे से इसका गोल्डन लाइट गोल्डन कलर आ जाए। इसके साइड चेंज करते हुए इसको सेक लेंगे। बस 1 मिनट में आपका ये जो है ना ब्रेड सेक कर रेडी हो जाएगा। एक बस अच्छे से सिकने के बाद जो है आप इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए और जो है इसकी कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने के बाद जो है आप इसको एंजॉय कीजिए, और जो है बच्चों को भी आप ये रेसिपी बनाकर सैंडविच की दीजिए तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, इसी तरीके से सब्जियां भी खा लेंगे और आपके टिफ़िन भी खाली करके ले आएंगे, टिफ़िन में भी अगर देते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे कहने पर, और रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कॉमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी है, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।